हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। प्रबंध के पांच प्रकार के कार्य कंप्लीट हो गए। हमारे पांच प्रकार के कार्य पूरे होने के पश्चात में संगठन का एक अलग से पार्ट दिया हुआ है, समन्वय, जो कि बहुत जरूरी है। समन्वय का साथी मतलब होता है तालमेल, ठीक है। दूसरे शब्दों में मिल जुलकर काम करना। मिलजुल कर काम करने का मतलब ही समन्वय होता है। अपने परिवार में देखो, पापा पैसों की वित्त की व्यवस्था करते हैं, मम्मी घर का कार्य करती है, हम लोग छोटा मोटा योगदान करते हैं, तो सभी लोग घर परिवार को चलाने में थोड़ा थोड़ा योगदान करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। कोई बड़ा कार्य अपने घर के अंदर, कोई फंक्शन हो गया, शादी ब्याह का, तो सबके निमित्त कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आती है। छोटे बच्चे होते हैं, वो पानी पिलाने का काम करते हैं, प्लेट उठाने का काम करते हैं, बड़े समझदार होते हैं तो भोजन की जिम्मेदारी देखते हैं, और ज़्यादा परिवार के विश्वासी लोग होते हैं जो गहनों की और की व्यवस्था करते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा कार्य करते हैं, तो शादी का जो कार्य है वो पूरी तरीके से सफल हो गया है। ठीक इसी प्रकार से व्यवसाय की भाषा में, बिजनेस की भाषा में समन्वय का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, क्रय विक्रय उत्पादन, ठीक है, वित्त पैसा तकनीक, ये सभी जो कार्य होते हैं, इन सब कार्यों से मिलकर कार्यों को सामूहिक रूप से करते हैं, तब जाकर के काम क्या होता है, पूरा होता है। और सभी कर्मचारियों के ऊपर एक उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, जिसको वो पूरी ईमानदारी और दिल से निभाते हैं, तब जाकर के संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है। संगठन चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सामाजिक है, राजनीतिक है, व्यवसायिक है, गैर व्यवसायिक है, आर्थिक है, नार्थिक है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय क्यों न हो, सभी प्रकार के व्यवसायों में समन्वय का होना बहुत जरूरी है। अगर समन्वय की गतिविधि नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का कार्य हो वह पूरा नहीं हो पाएगा। आपकी कक्षा का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिलजुल कर काम करना। मान लो कि मेरा सिलेबस जल्दी हो गया है, बीएम का अकाउंट का सिलेबस पीछे रह गया है। अब मनोज जी सर, मान लो कि मुझसे समय मांग रहे हैं, सर आपका एक कलास सही है, मेरा कुछ चैप्टर अधूरा रह गया है, और मैंने मान लो कि उनको समय नहीं दिया, अपना कलास नहीं दिया, तो उनका वो चैप्टर अधूरा रह जाएगा। उस चैप्टर में मान लो 10 नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए, ठीक है, और आप वो नहीं कर पाए, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट पीछे रहेगा। हम में से कोई भी कर्मचारी ये नहीं चाहता जो आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका रिजल्ट कम रहे। अगर आपका रिजल्ट कम रहेगा एक तरीके से, तो नए स्टूडेंट्स कम आएंगे तो हमारी सैलरी नहीं मिलेगी, हमारी सैलरी में मेरी सैलरी की समझ जाए, तो मेरे समय नहीं देने की वजह से रिजल्ट खराब रहा, जिसका नुकसान भुगतान मुझे भी करना पड़ रहा है। अगर मैं उनको समय देता एक तरीके से, मैं उनकी हेल्प करता, उनको आपको मोटिवेट करता, तो रिजल्ट बेहतर रहता। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी तो फायदा है। सेम ऐसे संगठन में होता है, सभी विभागों के कर्मचारी आपस में मिलकर के काम करते हैं, तब जाकर के किसी भी कंपनी के संगठन के कार्य पूर्ण होते हैं, और उनसे मालिकों को फायदा होता है, प्रबंधकों को फायदा होता है, और कर्मचारियों को फायदा होता है, तब जाकर के उस कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, और वो कंपनी सालों साल लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो ये मतलब होता है समन्वय का। समन्वय को बोला गया है प्रबंध का सार, प्रबंध का सार, प्रबंध का सार। प्रबंध का मतलब क्या है, पांच प्रकार के कार्य कौन से आपको पता है, प्रबंध के पांच कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, फिर चौथा निर्देशन, और पांचवा नियंत्रण। ये पांच प्रकार के कार्य, इन पांच प्रकार के कार्यों को ठीक तरीके से करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, समन्वय की। तो ये समन्वय नहीं होगा तो ये पांचों कार्य क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अगर इन पांचों में से कहीं पर भी एक कार्य भी अगर ठीक तरीके से संपन्न नहीं हुआ, तो क्या संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में इन पांचों कार्यों को यथावत तरीके से पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, समन्वय, ये ध्यान में रखना। तो समन्वय एक तरीके से देखा जाए तो प्रबंध के कार्यों की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इसके बिना
कोई भी कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकता। बात ध्यान में रखें, ये आपको कार्य करना। धन्यवाद।